जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के फिजिक्स का आज हम लोग पहला लेक्चर आपको बताने जा रहे हैं। पहला लेक्चर, पहले चैप्टर का पहला लेक्चर। और आपको मालूम है कि जो पहला चैप्टर आपका है वो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का है। और हम आपको बता दें कि यह वीडियो जो पहला वीडियो बन रहा है, यह 2023-2024 के लिए है। आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम 2024 यानी 2024 में होगा उसके लिए ये पहला वीडियो है। और आज हम आपको वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की हिस्ट्री सबसे पहले हम आपको बताएंगे और इसको पहले आप समझें। और इसके साथ साथ हम आपको नोट भी बनवाते जाएंगे, आप सभी लोग अच्छी तरह से तैयार करते जाएंगे ताकि फिजिक्स में आपका बहुत बढ़िया नंबर आवे। और जितने लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे भी हम आपको बता दें कि आप प्रत्येक लेक्चर अच्छी तरह से आप समझते जाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपका कोर्स तैयार होगा। लेकिन नोट के लिए आपको कोचिंग अटेंड करना पड़ेगा, कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आपको नोट मिलेगा। और हम समझते हैं केवल लेक्चर से आपका काम नहीं बनने वाला है। लेकिन फिलहाल चलिए अब हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आज हम आपको वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज की हम आपको हिस्ट्री बताएंगे सबसे पहले। और इसमें हम आपको बता दें, सबसे पहले हम आपको ये बतावें कि ये वैद्युत आवेश की खोज कब हुई, वैद्युत आवेश की शुरुआत कब हुई, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि अब से लगभग 2500 वर्ष पहले, या कह सकते हैं 2500 वर्ष पहले, लगभग 2500 वर्ष पहले एक यूनान के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थेल्स। थेल्स को आप लोग मैथ में भी पढ़े हैं, तो जिनका नाम था थेल्स, थेल्स ने सबसे पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट का अनुभव किया। उन्होंने इस व्यू से एक्सपेरिमेंट नहीं किया कि हमें वैद्युत आवेश की खोज करनी है, लेकिन उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट किया। पहला एक्सपेरिमेंट क्या था कि उन्होंने एक अंबर का छड़ लिया। अंबर एक पदार्थ है और इन्होंने अंबर का एक छड़ लिया। यह हम आपको बता दें कि आप कांच देखे हैं ना, तो जैसे कांच होता है बिल्कुल कांच के जैसा ही अंबर भी होता है। कांच के जैसे या आबनूस वगैरह का छड़ देखे होंगे, बिल्कुल वैसा ही अंबर होता है, कांच के जैसा छड़ होता है। तो इन्होंने किया क्या कि अंबर का छड़ लिया और अंबर की छड़ को लेकर के रेशम के ऊपर रगड़ा। रेशम, लेकिन सबसे पहला जो प्रयोग था वो ऊन को लेकर के था। ऊन के ऊपर इन्होंने रगड़ा, ऊन जो जिनके स्वेटर का हम लोग जाड़े के दिनों में स्वेटर पहनते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले किया क्या कि इन्होंने अंबर का एक छड़ लिया और अंबर का छड़ लेकर के उसको ऊन के ऊपर रगड़ा। और ऊन के ऊपर रगड़ा तो उन्होंने देखा कि ये जो अंबर का छड़ है, इस अंबर के छड़ के अंदर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों और ये घास के जो छोटे छोटे तिनके होते हैं, इन तिनकों को अपने अंदर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। लेकिन लगभग 2500 साल पहले, या कह लीजिए 2500 साल पहले, जब थेल्स ने इस बात को बताया तो उनके बात पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और कब तक ध्यान नहीं दिया, तो लगभग 2000 साल तक कोई ध्यान नहीं दिया। लगभग 2000 साल हम लोगों का फिजिक्स जो था ये पिछड़ गया था। लेकिन इसके बाद हम आपको बता दें कि सन 1600 ईस्वी में
इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट। डॉक्टर गिलबर्ट, तो डॉक्टर गिलबर्ट ने क्या बताया, हम आपको ये बताने जा रहे हैं। डॉक्टर गिलबर्ट ने ये बताया कि केवल अंबर के अंदर ही नहीं, ध्यान समझिएगा, केवल अंबर के अंदर ही नहीं बल्कि कांच के अंदर भी, ये कांच, कांच के अंदर भी, आबनूस के अंदर, आबनूस की भी छड़ होती है, आबनूस के अंदर। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि अगर गंधक का हो तो गंधक के छड़ के अंदर, और लाख, लाख का भी कीट, लाख के कीट होते हैं, लाख के अंदर। तो अब सन 1600 ईस्वी में, देखिए 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया, और डॉक्टर गिलबर्ट ने क्या बताया कि डॉक्टर गिलबर्ट ने ये बताया कि केवल अंबर के अंदर ही नहीं बल्कि कांच के अंदर, आबनूस के अंदर, गंधक के अंदर, लाख के अंदर, जो अंबर के अंदर गुण है वे सभी गुण कांच, आबनूस, गंधक, लाख के अंदर भी पाए जाते हैं। और क्या गुण, कौन सा गुण, तो इन सब की छड़ को अगर ऊन के ऊपर रगड़ा जाए, तो ऊन के ऊपर जब रगड़ा जाता है तो इस छड़ के अंदर एक विशेष प्रकार का गुण आ जाता है, जिसके वजह से यह कागज के छोटे छोटे टुकड़े, घास के छोटे छोटे तिनके को अपने तरफ आकर्षित करने लगता है। अब फिर बाद में इन्होंने बताया कि घर्षण के ही वजह से, घर्षण का मतलब रगड़ने के वजह से, ठीक ना, जब अंबर के छड़ को ऊन के ऊपर रगड़ा जाता है, तो इन्होंने ये बताया कि रगड़ने के वजह से, यानी घर्षण के अंदर, घर्षण के कारण अंबर के, अंबर के छड़ पर जो गुण आ जाता है, उस गुण को वैद्युतमय कहा गया। इसका जो नाम रखा गया, ये रखा गया था वैद्युतमय। विद्युतमय को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रीफाइड। ये इलेक्ट्रीफाइड, इलेक्ट्रीफाइड, इलेक्ट्रीफाइड कहते हैं, मतलब जब अंबर के छड़ को ऊन के ऊपर रगड़ा जाता है, तो रगड़ने के कारण अंबर के छड़ पर जो गुण आ जाता है, उस गुण को ही वैद्युतमय कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रीफाइड कहते हैं। और वह कारण जिसके वजह से कांच के छड़ के अंदर, या कह लीजिए अंबर के छड़ के अंदर, यह गुण आ जाता है, उसी गुण को वैद्युत कहा गया, इसी को वैद्युत कहा गया, वैद्युत, और इसको इलेक्ट्रिसिटी कहा गया, इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत कहा गया। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि ये सारी बातें जो गिलबर्ट ने बताया था वो मैं बता रहा हूं, ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, ठीक ना। तो ये गिलबर्ट के द्वारा कहा गया कि वह कारण जिसके वजह से अंबर वैद्युतमय हो जाता है, इलेक्ट्रिफाइड हो जाता है, उस गुण को ही वैद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और अब जो है, वैद्युतमय होने का जो गुण था, वैद्युतमय होने के गुण को ही वैद्युत आवेश कहा गया, या ये कहा जाता था कि जब कोई वस्तु वैद्युतमय हो जा रही है, तो वैद्युतमय होने का मतलब ये हुआ
कि वह वस्तु जो है आवेशित हो जा रही है, वह वस्तु आवेश ग्रहण कर ले रही है। अब इसके बाद देखें आज के वीडियो में, अब हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे पता चला कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। इस बात को तो आप अच्छी तरह से याद रखे रहिए कि डॉक्टर गिलबर्ट ने ही सबसे पहले, हालांकि थेल्स ने सबसे पहले आवेश के बारे में बताया, लेकिन गिलबर्ट आगे चल करके आवेश के बारे में बहुत विधिवत बताए। अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि विद्युत आवेश जो होता है ये दो प्रकार का होता है, और विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है यह कैसे पता चला, तो इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। और इसके लिए देखें हम आपको बता दें कि सन 1750 ईस्वी में, यानी 1750 में अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, और अमेरिका के इस वैज्ञानिक का जो नाम था वो फ्रैंकलिन था। तो फ्रैंकलिन ने क्या एक प्रयोग किया, हम आपको बता रहे हैं कि फ्रैंकलिन का प्रयोग क्या था। फ्रैंकलिन ने किया क्या कि कांच का एक छड़ लिया, और समझिए कांच का एक छड़ नहीं बल्कि कांच का दो छड़ लिया। हम आपको फ्रैंकलिन का एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं, और फिर फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट के बाद कैसे इन्होंने बताया कि आवेश दो प्रकार का होता है, जिसको हम लोग कहा करते हैं धन आवेश और ऋण आवेश। तो ये आवेश जो है दो प्रकार का कैसे होता है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, इन्होंने कांच का एक छड़ लिया, और कांच का छड़ लेकर के, अब समझिए आप जरा ध्यान पूर्वक से, कांच का छड़ लेकर के रेशम के ऊपर इन्होंने रगड़ा, ठीक ना, कांच का एक छड़ लेकर के इन्होंने रेशम पर रगड़ा। और इसी तरह से आबनूस का एक छड़ लिया, देखिए ये कांच है, तो इन्होंने पहला जो छड़ लिया था वो कांच का छड़ था, और इसके बाद दूसरी इन्होंने एक छड़ लिया, और दूसरी जो छड़ थी वह आबनूस की छड़ थी, और आबनूस की छड़ को बिल्ली के खाल के ऊपर, समझते हैं ना, बिल्ली की जो चमड़ी होती है, तो बिल्ली के खाल के ऊपर रगड़ा। जरा ध्यान से समझिएगा आप एक्सपेरिमेंट को। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले कांच की छड़ को रेशम के ऊपर रगड़ा, और फिर जो है दूसरी जो छड़ थी वो आबनूस की छड़ थी, आबनूस की छड़ को बिल्ली के खाल के ऊपर रगड़ा। तो अब देखिए क्या हुआ, तो इसमें जो समस्या आई थी वो ये थी, तो देखिए इसमें हुआ ये था कि जब कांच की छड़ इन्होंने रेशम के ऊपर रगड़ा, और दूसरी आबनूस की छड़ थी, आबनूस की छड़ को बिल्ली के खाल के ऊपर रगड़ा, तो देखिए सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया गया, पहले एक्सपेरिमेंट में ये था कि कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ा, और एक दूसरी कांच की छड़ ली गई, इस दूसरी कांच की छड़ को भी रेशम के ऊपर रगड़ा गया, और रेशम के ऊपर रगड़ करके ध्यान में रखे रहिएगा, पहली छड़ को रेशम के ऊपर रगड़ा गया, और दूसरी छड़ को भी रेशम के ऊपर रगड़ा गया, और रेशम के ऊपर रगड़ करके जब इन दोनों छड़ों को धागे से लटका दिया गया, जब ये दोनों छड़, देखिए एक छड़ ये है और दूसरी छड़ ये है, जब दोनों छड़ों को धागे से लटका दिया गया, तो दोनों छड़ जो थे वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते थे, दोनों छड़ एक दूसरे को हटाते थे। ये पहला एक्सपेरिमेंट जो था वो याद रखे रहिएगा।
कांच की छड़ को रेशम के ऊपर रगड़ा गया और फिर दूसरी भी कांच की छड़ थी, इस दूसरे कांच के छड़ को भी रेशम के ऊपर रगड़ा गया और रेशम के ऊपर रगड़ करके इन दोनों को धागे से बांध दिया गया और धागे से बांध करके जब एक दूसरे के समीप लाया गया तो ये देखा जाता है कि दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब इसी तरह से दूसरा प्रयोग किया गया और दूसरे प्रयोग में क्या था, अब कांच के जगह पर देखिए, कांच के जगह पर ये आबनूस की छड़ ले ली गई तो आबनूस की छड़ और ये भी दूसरी आबनूस की छड़, ये जो दूसरी छड़ थी ये दूसरी छड़ भी यह आबनूस की छड़ थी, ये दोनों छड़े आबनूस की ही थी और इन दोनों छड़ों को बिल्ली के खाल के ऊपर रगड़ा गया। जब बिल्ली के खाल के ऊपर रगड़ करके एक दूसरे के समीप धागे से लटकाया जाता है तो फिर देखा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं, यानी एक दूसरे को हटाने लगते हैं। तो यहां से ये निष्कर्ष निकाला गया कि जब दोनों आबनूस की छड़ हैं या दोनों कांच की छड़ हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन अगले एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि अगले एक्सपेरिमेंट में एक आबनूस की छड़ ली गई और आबनूस की छड़ को बिल्ली के खाल के ऊपर रगड़ करके लटका दिया गया और फिर कांच की छड़ ली गई, कांच की छड़ को रेशम के ऊपर रगड़ करके यहाँ लटका दिया गया। तो उस स्थिति में क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं। तो अब इस प्रकार इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि पहले जो था ये दोनों के ऊपर समान आवेश था, तो जब दोनों के ऊपर समान आवेश था तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते थे और दोनों के ऊपर जब विपरीत आवेश हो जाता है तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं। तो इस प्रकार हम आपको बता दें कि दो आवेश होते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि कांच के ऊपर धन आवेश होता है और आबनूस के छड़ के ऊपर जो है ऋण आवेश होता है। तो इस प्रकार इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने बताया कि आवेश जो होता है, आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश होता है और दूसरा ऋण आवेश होता है। इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के दौरान ये बताया गया कि जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ध्यान से सुनिए सब लोग, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर धन आवेश होता है। ये बताया गया कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर धन आवेश होता है और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उस पर ऋण आवेश होता है। तो आपको याद रहेगा ना, जिसके ऊपर धन आवेश होता है उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है कि अधिकता होती है, जिसके ऊपर धन आवेश होता है उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। आप जवाब दिया करें और सही जवाब दिया करें। जिस पर धन आवेश होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और जिस पर ऋण आवेश होता है उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुआ करती है, ठीक ना। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहेंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि ये आवेश जो होता है, आवेश हमेशा संरक्षित होता है, आवेश का हमेशा संरक्षण होता है। तो अगर आपसे आवेश का संरक्षण पूछा जाए, आवेश का संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अगर आपसे पूछा जाए कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताएंगे। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो ये आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण क्या है, तो आवेश का संरक्षण बताया गया
कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही आवेश का नाश हो सकता है। आवेश सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो सकता है। एक वस्तु से आवेश निकलेगा और एक वस्तु से आवेश निकल करके दूसरे वस्तु में जा सकता है, लेकिन आवेश न तो उत्पन्न हो सकता और न ही आवेश का नाश किया जा सकता है। इसे ही आवेश का संरक्षण कहते हैं। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। आवेश का संरक्षण याद रहेगा आप सभी लोगों को। चलिए अब इसके बाद हम आपको बता दें, अब प्रश्न ये उठता है कि आवेश के बारे में तो फ्रैंकलिन ने बता दिया कि आवेश धन आवेश होता है, एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि किसके ऊपर धन आवेश होता और किसके ऊपर ऋण आवेश होता है, इसके बारे में फ्रांस के वैज्ञानिक कुलाम ने बताया था। ठीक ना, फ्रांस के वैज्ञानिक कुलाम ने बताया था। तो इस प्रकार ये कहा गया कि आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक कुलाम होता है और कुलाम को प्रदर्शित किया जाता है सी से। इसको अच्छी तरह से आप लोग याद रखे रहेंगे। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कुलाम होता है। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। इसको अच्छी तरह से आप लोग याद रखे रहेंगे। अब यहां पर हमको कुलाम की डिफिनीशन देखनी होगी कि एक कुलाम की परिभाषा क्या है। इस कुलाम की परिभाषा को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, आई इजकल टू होता है क्यू अपान टी। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इस डिफिनीशन को आप जानते हैं। तो यहीं से अगर हम लोग Q की वैल्यू निकालें तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी। देखिए, हम आवेश, एक आवेश को डिफाइन करने जा रहे हैं। और देखिए, इसके लिए कैसे हम डिफाइन करेंगे एक कुलाम के आवेश को? तो अगर I इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो जाए और T इज इक्वल टू 1 सेकेंड हो जाए, याद रखे रहेंगे, तो क्या होता है? I is equal to 1 एम्पियर और T is equal to 1 सेकेंड रख दें, तो देखिए Q is equal to I के जगह पे 1 और T के जगह पर भी 1 कर देंगे, तो Q is equal to हो जाएगा 1 into 1, यानी ये हो जाएगा 1 कुलाम। तो अब देखें, यहाँ पर 1 कुलाम की जो डिफिनेशन है वो क्या है कि यदि किसी चालक में, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो उस चालक में प्रवाहित होने वाला जो आवेश होता है वह आवेश 1 कुलाम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये याद रहेगा आप लोगों को ना। चलिए, अब इसके बाद हम आपको बता दें कि एक टर्म आता है आवेश की क्वांटम प्रकृति। आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या है, या इसी को कहते हैं आवेश की परमाणुकता। तो आवेश की परमाणुकता यह है कि विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब किसी आवेश को आप चाहें कि विभाजित कर लें तो किसी आवेश को आप विभाजित नहीं कर सकते। तो ये जो स्टेटमेंट है कि किसी विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, इस स्टेटमेंट को ही हम आवेश की क्वांटम प्रकृति, या इसको हम आवेश की परमाणुकता कहते हैं। ये आवेश की परमाणुकता है। अब इसके बाद जैसे हम आपको बता दें कि अगर इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन याद रखे रहिएगा, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है तो हम माइनस ई लिख दिया करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस ई कूलाम का आवेश होता है। अगर इसी तरह से हम प्रोटॉन पर देखें तो प्रोटॉन पर प्लस ई कूलाम का आवेश होता है। इसका मतलब क्या हुआ
इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश दोनों का आवेश बराबर होता है। अंतर सिर्फ ये होता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है। इसको अच्छी तरह से आप याद रखे रहेंगे। और इसी तरह से अगर अल्फा कण का हम आवेश देखें तो अल्फा कण का जो आवेश होता है वह प्लस 2e के बराबर होता है, यानी अल्फा कण पर धन आवेश होता है और वह आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का दोगुना होता है। इसे ही हम आवेश का क्वांटीकरण या आवेश की परमाणुकता कहते हैं। एक चीज हम आपको बता दें कि ये आवेश की जो परमाणुकता है या आवेश का जो क्वांटीकरण है इसका मान इतना कम होता है कि हम लोग सामान्यतया इसको अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम आपको बता दें कि अगर कोई 100 वाट का बल्ब हो, आपने देखा है घरों में पहले 100 वाट के ही, अब तो एलईडी का प्रयोग हो रहा है, पहले 100 वाट या 60 वाट के बल्ब जला करते थे। तो अगर 100 वाट का बल्ब चल रहा है तो 100 वाट का जब बल्ब चल रहा होता है तो उसमें से हो करके एक सेकंड में 3 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेशित, एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होते हैं। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहिएगा, ठीक है, कि ये याद रहे कि अगर 100 वाट का कोई बल्ब है, ये प्रश्न आपसे कई बार कंपटीशन में भी पूछा गया है, इसलिए इसको आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहेंगे कि अगर 100 वाट का कोई बल्ब है और 100 वाट के बल्ब में अगर ऐसे कह लीजिए कि 100 वाट के बल्ब में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो एक सेकंड में उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक 3 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये प्रवाहित होते हैं। तो ये अभी हमने आपको वैद्युत आवेश का इतिहास बताया और वैद्युत आवेश के इतिहास में सबसे पहले आपको क्या बताया गया कि अब से 2500 साल पहले यानी 2500 साल पहले सबसे पहले आवेश के बारे में किसने बताया था? थेल्स ने बताया था। और थेल्स कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। ये सारी बातें आप अच्छी तरह से ध्यान में रख के रहिएगा। वैसे इन सब का हम नोट आपको बनवा देते हैं, अभी बनवा देंगे। इसको आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से तैयार करते जाइए। और आपको पता है कि नेक्स्ट सेशन का जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है वो जनवरी में ही एग्जाम होगा, यानी आपके पास एक महीने का जो समय है वो कम हो गया। इसलिए खूब अच्छी तरह से पढ़ना है, खूब अच्छी तरह से तैयारी करनी है। और मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग तत्काल महामना इंस्टीट्यूट में आकर के एडमिशन ले ले ताकि आपको अच्छी से अच्छी पढ़ाई भी मिले, क्योंकि यहां पर चैनल में वीडियो तो मिलेंगे लेकिन इधर उधर करके वीडियो मिलेंगे या हमेशा वीडियो उपलब्ध होगा ऐसा भी नहीं हो सकता। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो इसलिए महामना इंस्टीट्यूट में आकर के आप लोग तत्काल एडमिशन ले लें और फिर अच्छी तरह से सभी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सबकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से आपकी कराई जाएगी। और बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से आप लोग तैयार करते रहें, फिलहाल वीडियो भी अपलोड होते रहेंगे। और अगर देखने वाले लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। और वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। तो इसके साथ ही हमें उम्मीद है कि ये जितनी बातें आज बताई गई हैं ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आप सबको क्लियर हो गया, सब समझ में आ गया है? बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोग तैयार करें। और आप सभी लोगों का महामना इंस्टीट्यूट के तरफ से एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर।